ऑलराइट सो गाइस मैं वापस आ चुका हूं सभी लोगों के लिए एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो को लेकर। सो गाइस जैसा कि अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने प्ले किया, तो यार इस वीडियो को मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट किया था कुछ टाइम पहले। तो यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे को, भाई आप इससे कैसे मिले, आप इसको कैसे जानते हो, भाई ये कौन है, ये आपकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बहन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को डीएम्स में पूछ रहे थे। तो भाई यार मैं आपको बता दूं कि आप भी इससे मिल सकते हो। कैसे? तो यार आपका भाई आपको मिलवाएगा इस बंदी से। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस बंदी का नाम है ब्यूटी खान, और अभी ये टिकटॉक पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों आप भी इसके साथ जरूर से वीडियो बनाना दोस्तों, आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, हो सकता है कि आपका वीडियो वायरल भी हो जाए। तो दोस्तों आप भी इसके साथ वीडियो बना सकते हो। कैसे बनाओगे और आप भी कैसे मिलोगे इस बंदी से, आपका भाई बताएगा आपको। तो वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। आपका एक लाइक आपके भाई को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो वैसे सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑन करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है उसको जरूर से सिलेक्ट कर लेना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फटाफट से लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि आप इससे कैसे मिलोगे। ऑलराइट सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइस आपको इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है वन एंड ओनली काइन मास्टर। तो अगर आपको इसके मोड भी का लिंक चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ पे मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। प्लस पे क्लिक कर लेना, 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना और अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो चलता होगा जो कि मेरा खुद का वीडियो है, जो कि मैंने अपने दीवार के साथ शूट किया, जो कि मेरे घर का मेरे रूम का दीवार है। तो आप भी अपने घर के दीवार के रूम में जो भी आपका कलर होगा दीवार का, आप उसके साथ शूट कर सकते हो, कोई भी कलर चलेगा। मुझे पता कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के पास जो वो ग्रीन पर्दा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको जो वो दीवार से ही बता रहा हूं। तो मैंने भी अपने घर में शूट किया अपना वीडियो, तो चलिए फटाफट से आपको बताता हूं। एडिटिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं आप जरूर से ऐसा वीडियो बना के डालना, आपके वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये लड़की अभी टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। तो आपको मीडिया पे चल जाना है और मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आपको सिंपली इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने इस वीडियो को यहां पे इंपोर्ट कर लिया, और अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि आपको चलना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे जाना है और यहां पर मैंने अपने जो वो कैमरे से शूट किया एक वीडियो, तो मैं उसको यहां पर ले आता हूं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये वीडियो आ चुका है यहां पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के साउंड को म्यूट कर देना है, तो साउंड को म्यूट कर दिया मैंने। उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना और आपको रोटेट एंड स्लैश में मिररिंग लिखा हुआ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपको यहां पर जो है वो ये वाला इफेक्ट दे देना है ताकि आपका वीडियो इस तरफ हो जाए, स्प्लिट कर देना आपको अपने वीडियो को और यहां पर आपको डन कर देना ऊपर से। उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना और आपको नीचे की तरफ चले आना और क्रोमा की को यहां पर इनेबल करने से पहले आपको की कलर में जो है वो आपका घर का दीवार का कलर जो भी होगा, हरा, ब्लू, पीला, ग्रीन, जो भी है, आप उस कलर को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारा कलर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। तो मेरा जो यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको सिंपली डन करता हूं और यहां से इस कलर को इनेबल कर देता हूं यहां से क्रोमा की को। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करोगे तो ये जो आपका जो आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे जो आस थोड़ा बहुत जो इसमें जो मेरे दीवार का कलर आ रहा है वो हट जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगभग जो है वो हट चुका है। तो आपको डिटेल कब में चल जाना, अगर नहीं हटेगा तो आपको इसको नीचे की तरफ करोगे तो ये आपका सारा जो है वो हट जाएगा ग्रीन। तो देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का मेरा वीडियो लग रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा और एडजस्ट होगा, तो आपको अपने वीडियो लेयर पे क्लिक करना है, क्रोमा की पे चले जाना है और थोड़ा बहुत आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये लगभग एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपको जो है वो कुछ इस तरीके से जूम करना है अपने वीडियो को, जूम करना है और आपको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट भी कर देना है इस तरीके से। ओके, ऊपर से, और आपको ला के अपनी वीडियो को यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर जब रखोगे तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपका वीडियो यहाँ से कैसा लगेगा। तो यहाँ पे एक बारी मैं प्ले कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी कमाल का लग रहा है, लग रहा है कि मैं इसके साथ ही जाकर के वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो है वो ऐसी वीडियो बना के डालो, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है दोस्तों। आपको बस इस लेयर पे क्लिक करना है अपने वीडियो वाले, सीजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम टू राइट और प्लेट कर देना है और आपको सेटिंग में चले जाना है यहाँ पर, और आपको ऑडियो फेड आउट को यहाँ से ऑफ कर देना है। और आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि वीडियो एक बारी मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो कम्प्लीट हो चुका है, देख पा रहे हो काफ़ी सही लग रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और 720p 30fps पे इसको एक्सपोर्ट कर देना है और अपने टिकटॉक पे अपलोड कर देना है।